अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज का वीडियो व्लॉग वीडियो है। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा, आज कुछ स्पेशल है, ख़ास है, वो तो मैंने टाइटल में बता ही दिया है। तो अभी ये मॉर्निंग के 10 बजे हैं कुछ, और धूप का आलम तो आप देख ही रहे हैं, लखनऊ में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है। एंड एक्चुअली मैं लखनऊ आई हुई हूँ घूमने, एंड बस अभी सुबह के 10 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, नाश्ता, और अभी बालकनी एरिया में आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ चट्टान जैसी धूप है। तो दिन में अगर कहीं निकलने का सोचो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इतना धूप है कि हर कोई अपने घर के अंदर रहता है, इवन एसी भी काम नहीं करता प्रॉपर, इतनी तेज़ धूप होती है कि टाइम लेता है ठंडा करने में, एसी कूल होने में। तो सोचिए कितनी गर्मी हो रही है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और बस जो लोग काम करते हैं, डेली बाहर निकलते हैं, तो वो वाकई में बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि बेचारे डेली निकलते हैं काम करने। ओके, तो अभी ये शाम के कुछ 5:30-6 बज रही है, और जैसा कि आपने टाइटल में वीडियो के देखा है, तो आज की हमारी जो प्लानिंग है, हम जा रहे हैं लखनऊ के लुलू मॉल विज़िट करने। तो बस सारे लोग रेडी हो गए घर के और निकल ही गए हैं, अपने गेट एरिया में आ गए हैं, और अभी गाड़ी में बैठ के वी आर ऑन द वे टू लुलू लखनऊ। एंड अभी भी देखिए, मतलब हम लोग बहुत टाइम से निकले, कुछ 5:30 के टाइम पे, तो अभी 6 बजे तक भी धूप रहती है, उसके बाद ही कहीं जाते। तो ये है प्लासियो मॉल, जो कि रास्ते में पड़ा लखनऊ में ही है, ये भी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। तो बाहर से इसका इस तरीके से है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो बस अभी चलते हैं, आप देख सकते हैं लुलू आ गया है, ऊपर टॉप पर लुलू का टाइटल आपको दिख रहा होगा ग्रीन ब्लू कलर में। ओके, तो बस पहुंच गए हम लोग, और नाउ यू कैन सी हम लुलू मॉल के पास हैं, और बस अभी आ गए हैं मॉल के अंदर। मॉल बहुत 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 खूबसूरत है, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है, बहुत अच्छे बड़े एरिया में बनाया है। तो बस यहाँ से अभी हम इंटर हो रहे हैं मॉल के अंदर, एंड काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत लोग आए हैं। एंड थोड़ा सा जब गर्मियों में, दिन में तो इंसान निकल नहीं पाता है, बट समर में शाम में निकलो ऐसे, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, एक अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ पर अभी गारमेंट्स एरिया में आए हैं, तो यहाँ पर कुछ ड्रेसेस वगैरह लेनी थी, तो बस वो देख रहे हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं ये पैंटालून की पैंट है, बड़ी प्यारी लग रही थी, तो ली इसमें से एक मैंने, और बाकी और गारमेंट्स देखते हैं। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ लेना था तो लिया यहाँ से हमने, और अभी एक एक करके और पोर्शन में जाऊँगी, वहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ पर्स वगैरह है, और है ना, चीज़ों को लेने से ज़्यादा चीज़ों को देखने में मज़ा आता है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। एंड ये कुछ फुटवेयर हैं लेडीज़, तो ये देख रहे हैं हम लोग। एंड मुझे चूँकि लेना भी है फुटवेयर, और मुझे कुछ हील्स टाइप में चाहिए, क्योंकि फ्लैट तो ऑलरेडी मैं पहनती हूँ, तो कुछ हील्स वाला समथिंग चाहिए होता है, तो वो देख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पसंद आता है अभी। एंड बस घूम रहे हैं, और ये वाइट वाला फ्लिप फ्लॉप बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, एंड ये ग्रीन वंस टू, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जब कहीं ऐसा घूमने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं हमको, तो लगता है ये भी ख़रीद ले, वो भी ख़रीद ले, कितना सारा ख़रीद ले। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ईयरिंग्स हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, झुमकी, एंड ये वाला बाली ना बहुत खूबसूरत था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें मल्टी कलर की बीड्स लगी हुई हैं, तो वो किसी भी ड्रेस पर हम पहन सकते हैं। तो लड़कियों का ये थोड़ा सा होता है कि वो अपना सेक्शन ढूंढती हैं कि हमारे काम की चीज़ें किधर हैं, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो मेकअप हो गए, या फिर कुछ ज्वेलरी हो गया। तो ये आप देख सकते हैं मॉल अंदर से ऐसा है,
काफ़ी खूबसूरत बनाया है, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए भी टॉप पर एक किड्स वाला पोर्शन है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो अगर आपके किड्स है तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, टॉप फ्लोर पर है। तो ये सारी बस यहाँ पर स्टोर्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ये लुलू का हाइपर मार्केट है जो कि खासकर इसके लिए ही लुलू जाना जाता है और फेमस है। तो अभी यहाँ पर हाइपर मार्केट में बहुत भीड़ है। तो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग कुछ प्लेट्स वगैरह क्रॉकरी की चीज़ें देख रहे हैं। तो प्लेट्स हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउल्स वगैरह, ये सब बहुत खूबसूरत है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, तो मन हो रहा था सारी के सारे ले चले, सभी ख़रीद लें। तो बस अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ टोकरी हैं कई साइज़ की एंड बड़ी अच्छी लग रही थी, तो ऐसा इन लोगों ने बना रखा है। एंड बस ये थोड़ा सा किचन एरिया, ये लैम्ब चिकन आप देख सकते हैं, ये नॉन वेज एरिया है, यहाँ पर हम आए हैं। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे इन लोगों ने नॉन वेज को कर रखा है फ्रोज़न करके। तो ये इस तरीके से है ये सारी चीज़ें, तो लेने से ज़्यादा देखने में भी बहुत मज़ा आता है और एक बहुत अच्छा सा मूड फ्रेश हो जाता है चीज़ों को देखकर। तो जो जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वो देख सकते हैं मेरे इन वीडियो में, या फिर किसी दूसरी सिटी में हैं और नहीं आ पा रहे हैं घूमने या देखने, तो वो देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा नॉन वेज एरिया है, देखिए कैसे सब करके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप नहीं आए घूमने तो आइए, कहीं ना कहीं एक लोगों ने पिकनिक स्पॉट टाइप बना रखा है, क्योंकि घूमने में सबको चीज़ों को लेने से ज़्यादा घूमने में मज़ा आती है। तो बस ये देखिए कैसा फ्रोज़न करके बर्फ़ के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं एंड बहुत अच्छा लगता है। देखिए फिश, देखिए मछलियाँ, और इस तरीके से मछलियों को रखा हुआ है कितना फ्रोज़न करके सब आइस के अंदर। तो ये आप देखिए, माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, होप यू लाइक इट, यू एंजॉय इट। एंड चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप सब छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। बहुत सारे लोग हिल स्टेशन भी जा रहे हैं छुट्टियाँ मनाने, तो मुझे ज़रूर बताइए कौन कहाँ कहाँ गया है और क्या क्या कर रहा है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी जो फ्यूचर की आगे की वीडियोस हैं जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।